वेलकम बैक गाइस, मैं आपका होस्ट वैभव धीमान। आज फिर आपके लिए ना सेक्टर 123 में 3 BHK के फ्लैट्स जो कि आपके हाईवे के पास बिल्कुल 50 या 60 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाले हैं। सो गाइस, जो हम फ्लैट लेके आए ना, वो 140 गज में बने हुए हैं G+2 कंसेप्ट में। यहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन्वेंट्री मिलेगी 140 गज में बने हुए। एक फ्लोर पे हमारे दो फ्लैट्स होने वाले हैं। जैसे हम ना अपने पोर्चेरी में एंटर होते हैं, यहाँ पे आपके वाटर पंप्स के लिए स्पेस आ जाएगी। एंड यहाँ पे हमने 5,000 लीटर का अंडरग्राउंड टैंक बनाया है जो आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होने देगा। स्टेयर्स आ जाएंगे साइड पे। एक फ्लोर पे दो फ्लैट जैसे आपको बता रहा था, दोनों पैरेलल गेट होने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको एक डिजिटल लॉक मिलेगा जहाँ से आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। जो हमारा एंट्रेंस गेट है ना, वो भी 8 फीट की हाइट पे है। जैसे हम ना सैंपल में अपने घर में एंटर होते हैं तो हमें सामने के लिए मिलता है देखने के लिए ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ड्राइंग और डाइनिंग का कॉम्बिनेशन ना हमने काफ़ी अच्छा बनाया है। अगर आप फॉल सीलिंग देखोगे, इसमें हमने कॉप लाइट्स के साथ वुडन पैनल्स का हमने टच दिया हुआ है। एंड ड्राइंग और डाइनिंग में आप डेकोरेट करने के लिए हमने कुछ मिरर वर्क किया हुआ है। आप भी इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप रेस्ट ऑफ द वॉल्स देखोगे, यहाँ पे हमने सारा POP का डिज़ाइनर्स किए हुए है। एंड सबसे बड़ी बात ना, हम अगर ध्यान से देखोगे, आपका ड्राइंग एरिया उस साइड है, डाइनिंग एरिया साइड है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट हमारी आ जाती है मॉड्यूलर किचन एल शेप में। अगर आप मॉड्यूलर किचन की स्पेस देखोगे, आप वहाँ आपके आपके ड्राइंग एरिया में कोई गेस्ट बैठा तो आपको किचन में कोई चीज़ भी आपकी विजिबल नहीं होगी। यहाँ पे आपको फुल हाइट टाइल्स लगाई हुई है, मॉड्यूलर किचन रहेगी सारी, चिमनी के लिए प्रोविजन, RO, गीजर सभी के लिए प्रोविजन, साउंड प्रूफ यहाँ सिंक आपको मिलने वाले है। तो गाइस, ये ना काफ़ी स्पेशियस 140 गज में 3 BHK बना हुआ है, जिसी के साथ बेसिकली ये ना 3 BHK का कंसेप्ट आप इसे कह सकते हो, 3 BHK प्लस या आप 2 BHK प्लस एक स्टडी रूम आप इसे कंसीडर कर सकते हो। स्टार्टिंग पे फ्रंट पे ना हमने यहाँ पे एक ऑफिस रूम या आप किड्स बेडरूम इसे एज अ यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस निकाल के दी हुई है। अटैच वॉशरूम आ जाएगा यहाँ पे। अटैच वॉशरूम में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको सारी फुल हाइटेड टाइल्स आपको मिलेगी। एंड पेरिवेयर के ब्रांड की आपको सैनिटरी फिटिंग मिलेगी। एंड इस बेडरूम के साथ में अटैच आपको बालकनी मिलेगी, जहाँ 3 BHK G+2 पे ग्राउंड पे बालकनी बेसिकली होती नहीं है, बट हम यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी बालकनी डिलीवर कर रहे हैं। एंड गाइस, इसी के साथ में हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमें मेन जो हमारे घर के बेडरूम्स हैं उस साइड को हम लेके चलते हैं। तो आपका जो बेडरूम साइजेस है ना पूरे घर में जो मेन है, वो 12x14, 12x14 के। एंड जो आपका गेस्ट बेडरूम है वो 8x10.5 का मिलने वाला है, वो काफ़ी अच्छा स्पेशियस निकल जाता है। जो हमारा ये बेसिकली मास्टर बेडरूम है ना, मास्टर बेडरूम में से आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों बेडरूम के साइजेस बिल्कुल सेम है। डेकोरेशन आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी डेकोरेट कर रखी है। आप इसे ऐसे बैक पैनल को आप प्लान कर सकते हो। वार्ड्रोब्स के आप लुक लीजिए, वार्ड्रोब्स काफ़ी अच्छे हमने फुल हाइटेड डिलीवर किए हुए हैं। स्टोरेज के आपको पूरे घर में कोई कमी नहीं होने वाली। टीवी पैनल के लिए स्पेस हमने एज इट इज़ आपको हम डिलीवर करें, POP वर्क आपका एज इट इज़ डिलीवर कर। एंड जो आपके ड्रॉर्स हैं, यानी सारे हमने ना वुडन वर्क HDHMR का यूज़ किया हुआ है। इसी के साथ में हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम में फुल हाइट टाइल्स ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ पूरे घर में लाइटिंग को मेंटेन करते हुए पेरिवेयर की फिटिंग्स, वेंटिलेशन बनने के लिए यहाँ पे विंडो आ जाएगी। एंड इसी के साथ अगर देखोगे ना, पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे, या आप कह सकते हो वॉशिंग एरिया घर के लिए, तो यहाँ पे इस बेडरूम से वॉशिंग एरिया के लिए स्पेस रहेगी। बैक साइड को वॉशिंग एरिया का अगर मैं साइज की बात करूँ, 8x9 का यहाँ पे वॉशिंग एरिया मिलने वाला है। एंड बैक साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन देने वाली, बैक साइड पे बिल्कुल आपको 40 से 45 फीट की रोड मिलेगी। प्रॉपर आपको रोड बनी हुई है, वो डिफरेंट सोसाइटी की आपको प्रॉपर दिखेगी। एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे बेसिकली होता है, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर परचेज करते हो, उसकी जो आपकी बैक साइड पे बालकनी है वो काफ़ी कम बनी होती है, तो यहाँ पे आपको फुल काफ़ी अच्छी बालकनी बैक साइड पे भी मिलेगी। फॉल सीलिंग पूरे घर में काफ़ी अच्छी हैवी फॉल सीलिंग की हुई है। एंड इसी के साथ में मैं आपको लेके चलता हूँ हमारा मेन जो बेडरूम है ना, ये मेन बेडरूम के एक बार आप अंदर से पहले लुक लीजिए। अगर आप लुक लेते हो तो आपको हैवी फॉल सीलिंग देखने के लिए मिलेगी, POP वर्क देखने के लिए मिलेगा, वार्ड्रोब्स के काफ़ी अच्छा टेक्सचर सा यूज़ किया हुआ है, फुल हाइट, TV पैनल का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है।
आप इसे बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो कलर कॉम्बिनेशंस को। यहाँ पे डे लाइट और वेंटिलेशन बन रही है, विंडो आ जाएगी बिल्कुल साथ में, ये आपका अटैच वॉशरूम आ जाएगा। इस अटैच वॉशरूम में भी ना आपको फुल हाइट टाइल्स एंड आपको सारी पैरीवेयर की फिटिंग्स मिलने वाली। बस ये ना आज जो आपको घर दिखाया है, जो आपका बेसिकली आपका घर है, 140 गज में बना हुआ, 3 BHK, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास में, सेक्टर 123 सनी इंग्लेव में। तो बस गाइज, ये घर अगर आपको पसंद आया, नीचे दिए गए पे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपका होस्ट वैभव धीमान आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर कोई भी डिटेल्स हो नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।